खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। नवंबर के महीने में 5 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि नवंबर में 5 ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं और इसी के साथ होगा 5 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय। जी हाँ मित्रों, पूरे साल 2023 में सभी 12 महीनों से यह नवंबर का जो महीना है वो इतना खास और इतना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि एक ही महीने में 5 सबसे बड़े ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी चाल बदल रहे हैं। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है नवंबर महीने की सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां, किन किन राशियों का भाग्य उदय नवंबर महीने में होगा। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। जय श्री शनिश्चराय, नमः मित्रों। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सुख संपत्ति के कारक माने जाने वाले भगवान शुक्रदेव 3 नवंबर के दिन गोचर कर रहे हैं और इसके ठीक अगले दिन यानी कि 4 नवंबर के दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव भी अपनी चाल बदल देंगे और 6 नवंबर के दिन भगवान बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे और साथ ही 17 नवंबर के दिन होगा भगवान सूर्य देव का गोचर और इसी के साथ 27 नवंबर के दिन एक बार फिर से बुध देव जो अपनी चाल बदलकर दूसरी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस बार नवंबर के महीने में 5 बड़े ग्रह अपनी राशि परिवर्तन अपनी चाल बदल रहे हैं और नवंबर में इन ग्रहों के गोचर के साथ ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कु बड़ा ग छ के को और ह से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए नवंबर की शुरुआत से ही यह पूरा ही महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली साबित होने जा रहा है। इस महीने में आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और साथ ही धन कमाने के और धन प्राप्त होने के नए नए माध्यम जो है ना आपके सामने खुलकर आएंगे। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, उनको नवंबर और दिसंबर 2 महीनों के दौरान नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और साथ ही आपके वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग भी मिलेगा, कोई भी अच्छा और बड़ा पद आपको मिल सकता है। साथ ही जो व्यक्ति कई दिनों से नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे ना, उनकी ये इच्छा भी पूर्ण होगी और नवंबर में आपको मन पसंद जगह पर नौकरी हासिल होगी, यानी कि नई जॉब मिलने की संभावना भी बन रही है। और वहीं आप अपने हार्ड वर्क यानी कि कठिन मेहनत के फलस्वरूप अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन करेंगे। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और स्पेशली व्यापार करने वाले लोगों को आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा। बिजनेस में आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी और इस महीने में आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, जिससे धन की बचत भी होगी। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए नवंबर के महीने में कोई भी अच्छी और खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। कुल मिलाकर हर एक क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और जिन लोगों के काम पिछले कई दिनों से अटके हुए थे वो अब नवंबर के महीने में धीरे धीरे पूर्ण होते जाएंगे और साथ ही आपको अपने सीनियर का भी सहयोग मिलेगा। उसके अलावा आपके परिवार के सदस्यों में संबंध जो आपस में सुधरेंगे और साथ ही जो व्यक्ति मिथुन राशि वाले हैं, जो विवाह योग्य आयु में आ चुके हैं, उनका विवाह का योग बनेगा। भगवान शुक्र देव के चाल परिवर्तन से आपके प्रेम संबंधों में भी मिठास आएगा, मधुरता बनेगी और साथ ही अगर आपके ऊपर कोई भी पुराना कर्ज हो रखा है ना, तो उससे भी आप धीरे धीरे हल्के हो पाओगे और साथ ही धन की बचत होगी और उसके अलावा आप कोई भी बड़े संपत्ति में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। नवंबर का महीना अगर आप विद्यार्थी है मिथुन राशि आपकी, तो आपको उच्च शिक्षा में भी फायदा मिलेगा और साथ ही अगर आप विदेश में जाकर अध्ययन करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो भी भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में बना हुआ है। चलिए जान लेते हैं नवंबर की अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं।
क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या पति पत्नी के बीच संबंध लगातार खराब हो रहे हैं, या दोनों के बीच कोई तीसरा आ चुका है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों से आप रिश्ता या संबंध देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए नवंबर के महीने की अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, मेष राशि वाले लोगों के लिए नवंबर की 1 तारीख से यानी कि 1 नवंबर से ही आपके लिए भाग्य जो है वो बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। जिस तरह से राहु का गोचर हुआ और उसके बाद शुक्रदेव और शनिदेव जैसे ही गोचर करेंगे, उसके तुरंत बाद से ही मेष राशि वाले लोगों की किस्मत एकदम से चमकने लगेगी। शुभ ग्रहों की कृपा से नौकरी में आपको विशेष रूप से आर्थिक लाभ मिलेगा और आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी के योग बनेंगे। हालांकि नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है और आपका आलस्य आपको कर सकता है, मन में नकारात्मक यानी कि नेगेटिव भाव रह सकते हैं, बाकी बिजनेस में आपको उन्नति मिलेगी, व्यापार में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा और अंततः धन की बचत होगी और साथ ही मेष राशि वाले लोग जो अविवाहित है उनका विवाह का योग भी बन सकता है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी नवंबर का महीना अपने कार्यस्थल पर आपके लिए समय की जो स्थिति है ना वो बहुत ही अच्छी बनाएगा, आपको मन में शांति मिलेगी और साथ ही स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान पारिवारिक जीवन में शांति और खुशहाली होगी, आपके घर परिवार में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है और साथ ही मित्र जनों का पूरा सहयोग मिलेगा। जो व्यक्ति मकर राशि के हैं और नौकरी करते हैं ना, नौकरी में आपको पदोन्नति यानी कि प्रमोशन का योग रहेगा और साथ ही बिजनेस में भी आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल होगी। धन संबंधी कोई भी परेशानी चल रही थी तो उनका धीरे धीरे सुधार होगा और आप कहीं पर भी अगर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग लेते हैं तो उससे भी आर्थिक लाभ भी मिलेगा। यात्राओं के योग से धन लाभ हो सकता है और ग्रहों की शुभ दृष्टि से आपके बिगड़े हुए काम जो वो अब धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। कुल मिलाकर नवंबर का महीना शुरुआत से ही आपके दोस्तों भाग्य के द्वार खोलते हुए जाएगा और साथ ही भगवान बुध देव और शुक्र देव के आशीर्वाद से समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम बनने जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नू ने नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों, नवंबर में 3 नवंबर के दिन यानी कि जैसे ही भगवान शुक्रदेव गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे ना, उसके बाद वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और फायदेमंद साबित होगा। कार्य क्षेत्र में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी अच्छी और बड़ी डील मिल सकती है जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। आप यात्राओं पर भी जा सकते हैं और आपके द्वारा की गई यात्राओं से आपको शुभ फल ही प्राप्त होगा।
आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी और जो आपकी आर्थिक समस्याएं चल रही थी ना, उससे भी अब धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। कारोबार में लाभ होगा और कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। यात्राओं का संयोग भी बन रहा है। कुल मिलाकर नवंबर के महीने में आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और नौकरी के नए नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यह जो समय है वो बहुत ही अच्छा होगा। आप कोई भी बड़ा बदलाव कर सकते हैं। धन का आगमन भी होगा और जो व्यक्ति नौकरी बदलने के बारे में इच्छा रखते हैं ना, उनको मनपसंद नौकरी की प्राप्ति होगी। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना नवंबर में, वो आती है कुंभ राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, कुंभ राशि वाले लोगों में अभी भगवान शनिदेव की साढ़े साती चल रही है। कई दिनों से आपकी आर्थिक परेशानियां, आर्थिक समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, लेकिन 4 नवंबर के दिन जैसे ही भगवान शनिदेव गोचर करेंगे, कुंभ राशि में अपनी चाल बदलेंगे ना, उसके तुरंत बाद से ही आपकी जो किस्मत है ना, वो आपके लिए चमत्कारिक परिवर्तन लाएगी। यानी कि आपको ढेर सारा प्रॉफिट प्राप्त होगा और किस्मत के बंद दरवाजे भी खुलेंगे। अप्रत्याशित रूप से आपको धन का लाभ होगा, परिवार में खुशियां आएगी, संतान से जुड़ा आपको सुख मिलेगा और वहीं आप जहां कहीं भी काम करते हैं ना, कार्य क्षेत्र में आपका जो माहौल है वो अच्छा और उत्तम बनेगा। नवंबर के महीने में आपके जो भी अधूरे काम थे ना, वो अब धीरे धीरे पूरे हो सकते हैं। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और स्पेशली जो कारोबारी है, जो व्यापारी वर्ग के व्यक्ति है ना, उनको मुनाफे के योग भी बनेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है सिंह राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए नवंबर में करियर से जुड़ी कोई भी बड़ी सफलता आपको हासिल हो सकती है। धन लाभ होने के योग बनेंगे और साथ ही जो व्यापारी वर्ग के व्यक्ति है ना, उनको व्यापार में मुनाफा मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी नौकरी में तरक्की मिल सकती है। कुल मिलाकर नवंबर का महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, जिसमें आपको मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। जो विद्यार्थी है, छात्र है, उनके लिए यह महीना उत्तम है और व्यापारी वर्ग के लोगों को मुनाफा प्राप्त होगा। धन लाभ के अलग अलग योग बनेंगे, जिससे धन की बचत भी होगी और कर्ज से छुटकारा भी मिलेगा। और वहीं जो सिंह राशि वाले व्यक्ति अगर कुंवारे हैं, सिंगल है, अविवाहित है, तो आपका विवाह का योग भी कहीं ना कहीं नवंबर और दिसंबर दो महीनों के दौरान निश्चित हो सकता है, जिसकी आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय, नमः।